بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادت إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله مولانا العظيم. बड़ी ही रिफातों के हामिल, ना तो किरात की मजलिस में मौजूद हजरात इल्म कमाल अस्हाब मारिफत, बड़ी ही पाकीजा आवाज पर रात की इतनी देर तक बड़े शौक से महफिल में शरीक पाकीज़ा कुलूब मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक पर हम और आप किस इबारत में और किस जुबान में उसका शुक्र बजा ला सकेंगे कि उस जात ने जब रात की इन तन्हाइयों में एक बहुत बड़ी दुनिया होती है कि अभी सूरज गुरूब हुआ नहीं होता है, एक गुनाहों का तांता लग जाता है। न मालूम अल्लाह के कैसे कैसे बंदे कैसे कैसे जराइम में मुब्तला होते हैं, उन्हें अंधेरों की तलाश होती है। ऐसे वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक खुशनसीब तबका और जमात है जो सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम की मोहब्बत और तौसीफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के उन्वान से बहुत देर से सरापा शौक बना हुआ है। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने करम से नवाजे, हमारी और आपकी शिरकत को अल्लाह ताला शर्फ कबूल अता फरमाए और इसको जरिए नजात साबित फरमाए। मेरे बुजुर्गों, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। क्या समा था कि एक ऐसी सरजमीन या एक ऐसा इलाका जो अपने जाहिर और बातिन के एतबार से आलूदा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन हसनुस सौत कुर्रा ने और मैदान नाथखानी के शहसवारों ने, बल्कि दूसरे लफ्जों में कहिए कि नाथखानी की इंडस्ट्रीज के सेलिब्रिटी जिनको कहा जा सकता है, ऐसे लोगों ने समा बांध दिया, मौसम बदल दिया और फिजा की आलूदगी का एहसास खत्म कर दिया कि वो आलूदगी न जाहिर अंदाज में बाकी है और न बातिनी अंदाज में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्या आवाजें थी, कुदरत क्या का करिश्मा था, कुदरत ने अपने खजाने से इन जवानों को कैसी कैसी नेमतों से नवाजा, इनकी आवाज की हलावत, झनकार, खनखनाहट, सोजो गुदास और लहजों की जाजिबियत, वो एक अजीब दुनिया कायम की हुई थी। सच ये है कि हम बैठे बैठे सोच रहे थे कि दुनिया कीमती से कीमती हीरों की कीमत चुका सकती है, लेकिन इनमें के एक हीरे की कीमत चुकाने से दुनिया आजीज है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुबारक हो हमारे इन भाइयों को, अल्लाह ताला हमें इसकी सही कदरदानी नसीब फरमाए। मेरे बुजुर्ग और भाइयों, हम इस मौके पर
अहले जिताली को दिल की तमाम तर गहराइयों से खूब मुबारकबाद पेश करते हैं कि इनकी तनतोर मेहनतें और इनके शौक और लगन ने एक ऐसी मजलिस में हमें और आपको शिरकत का मौका इनायत फरमाया। न मालूम इन भाइयों ने और इन जवानों ने और मौलाना मोहम्मद साहब की टीम ने कितने रोज से इस बाब में बेचैनी और बेकली को बर्दाश्त किया होगा। अल्लाह ताला इनके मीजान अमल में इसको फरमाए। यहां जब हमारे एक अजीज इन्ना कुल्ल शैइन खलकनाहु बिकदर इस आयत को जब तिलावत कर रहे थे, जब इन्होंने रुकू की इब्तिदा की, तो मुझे 42-43 साल पहले का वो मंजर याद आ गया जब दारुल देवबंद ने सत्साला के मौके पर हजारों ने एक लाखों के मजमे में दुनिया की मशहूर तरीन शख्सियत और किरात में जिसकी तूती बोली और जिसको ये कहा जा सकता है कि इनका कोई हमसर नहीं है, शेख अब्दुल बासित मरहूम को मदऊ किया था। वो तशरीफ लाए थे, पहले रोज तो हम उनको नहीं सुन पाए, लेकिन दूसरे रोज जब हमें पता चला कि जोहर की नमाज के बाद आपकी किरात होनी है, तो एक घंटा पहले स्टेज के बहुत सामने करीब में बैठने का मौका मिला और आपने जब इस रुकू को तिलावत फरमाया, मेरे बुजुर्ग और भाइयों, क्या कुरान होता है? फिर कुरान अगर ऐसे हसीन और जाजिब लहजों में हो तो क्या पूछिए। हमारे अतराफ में यूपी के कुछ देहाती लोग बैठे हुए थे, वो किसान लोग थे, वो अरबी का एक लफ्ज नहीं जानते थे, लेकिन हजारों ने लाखों का मजमा था और कहिए जिसको कि पिन ड्रॉप साइलेंट, एक तिनका गिरता था तो पता चलता था शेख अब्दुल बासित जो तिलावत फरमा रहे थे। इस दरमियान हमारे अतराफ में जो किसान लोग बैठे थे उन्हें नहीं, लेकिन किसी एक फर्द को कुछ खांसी की जरूरत पेश आई, वो खांसने लगे। वो जो किसान था वो सुर्ख हो गया और कहा, भाई जिंदगी में एक पहली बार अल्लाह के कलाम को सुनने का मौका मिला है, अगर खांसना हो तो मजमे से बाहर चले जाए। क्या लोग होते हैं, कैसे किरात हुआ करती है। माशाल्लाह हमारे ये अजीज जब तिलावत कर रहे थे सब यके बाद दिगर, क्या तिलावतें, कैसा कैफ था उनकी किरातों से, कुलूब को क्या सुरूर हासिल हो रहा था। सच ये है कि ये लम्हे जिंदगी में बार बार नहीं आया करते। मुझे इस मौके पे याद आया कि हमारे ये जवान जिनके बाप में हमने ये अर्ज किया कि हम इन हीरों की एक हीरे की कीमत दुनिया नहीं चुका सकती, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से मुतालिक ये किताबों में लिखा है कि जब आपको कहीं पता चलता था कि कोई खुश इल्हान कारी करीब में किसी इलाके में आ रहा है, तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बनफ्से नफीस उस कारी को सुनने के लिए सफर फरमाया करते थे, और जब खुश इल्हान कारी की किरात से महजूज होते तो फरमाते थे कि तबीयत चाहती है कि कारी का मुंह हीरे और जवाहिरा से भर दो। और मेरे बुजुर्गों, ये अस्हाबे मारिफत लोग हुआ करते हैं, ये रूहानी तबका हुआ करता है, उन्हें ये मालूम है कि अरवाह की पाकिजगी और उसकी तरक्की के लिए खुश इल्हानी एक बहुत वसीक और मजबूत जरिया। और हम और आप भी इसको महसूस कर रहे थे कि कुछ देर के लिए कभी आंखें नम हो जाया करती थी, फिर मुजाहिद साहब और फिर जो है वो हमारे नाथ खां दोनों जवान क्या उम्दा नाथखानी कर रहे थे, और ऐसा लगता था कि काश कि जिस इश्क का अभी हम एहसास कर रहे हैं ये इश्क हमारे दिलों का जुज बन जाए, हमारे कुलूब में वो हमारे जिस्म के जुज बन जाए और ये पत्थर की लकीर बन जाए। अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए मजलिस की बरकत से। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, उसका नतीजा था कि हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से मुतालिक तस्करे कारिया ने हिंद में मिर्जा बिस्मिल्लाह बेग रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि एक पठान उनकी कब्र पर रहा, वो मुजाविर के अंदाज में, अल्लाह का एक नेक बंदा वहां से गुजर रहा था,
उसने कहा कि अरे खान साहब यहाँ क्यों जिंदगी जाये कर, तो क्या मिलेगा यहाँ रहकर। कहा अगर कुछ करना है तो कहीं और निकल कर कुछ किया करो, ये वक्त जाये हो रहा है। पठान साहब ने कहा कि ऐसा नहीं, आप कभी हमारे साथ एक शब गुजारिए, एक रात हमारे साथ रहिए। उसको उन्होंने मंजूर किया, एक रात उन्होंने भी कयाम फरमाया। रात जब गुजरने लगी तो क्या देखते हैं कि कब्र से कुरान करीम की शानदार तिलावत की आवाज आ रही है। जब उन्होंने सुना कहा ये कौन है, कहा भाई इसी किरात के लिए सालों से यहां पड़ा हुआ तहयून का मतमुत। आदमी जैसी जिंदगी गुजारता है, अपना जैसा मशगला रखता है, इसीलिए कभी हमने ये कहा था कि इन जाजिब किरातों को सुनने के बाद मिस्र के कुर्रा को जब रातों की तन्हाइयों में सुनते हैं तो दिलों की दुनिया बदली नजर आती और ऐसा लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से भीख का इससे सुनहरा मौका कोई नहीं हो सकता। चुनांचे मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये किरातें और ये नातें, इसका कोई जवाब नहीं हुआ करता है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से जैसी आवाजें आती थी, कभी कभी तबीयत में आता है क्या ए रब, तूने दुनिया में तो बहुत उम्दा किरातों को सुनने के मौके फराहम फरमाए हैं, लेकिन तुझसे इसकी भीख है कि कहीं कब्र में भी इसका इंतजाम फरमा देंगे। हाँ मेरे बुजुर्गो और मेरे भाइयों, मुझे याद आया कि ये कुर्रा क्या कीमत रखते हैं और इनको सुनने का लोग कैसा शौक रखते हैं, और लोग अपने कुलूब को अल्लाह की यादों से आबाद करने के लिए किरात की कैसी राहें अपनाते हैं। आपने महसूस किया होगा और पूरे मजमे के चेहरों से महसूस हो रहा है कि बेहतरीन आवाज, चाहे उसका मसरफ नात हो या चाहे उसका मसरफ किरात हो, ये दुनिया भर के ताप को न सिर्फ खत्म कर देता है बल्कि इसके बाद ताप का तसव्वुर तक नहीं रहता है। हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, वो जब हिंदुस्तान में मिनिस्ट्री में थे और एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो वो दारुल देवबंद तशरीफ ले जाते हैं। उस वक्त मोहतमीम की हैसियत से हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। मुल्क का एजुकेशन मिनिस्टर वो दारुल जाता है, और फिर वो भी हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत, हजरत हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल देवबंद की हर दरसगाह की ज्यारत करवाई। हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह हर दरसगाह के सामने कुछ वक्त तवक्कुफ फरमा कर ठहर कर तकरीर सुनते, गुजरते गुजरते हजरत कारी हिफ्जुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह की दरसगाह आई सदरुल कुर्रा। देखा कि हजरत कारी हिफ्जुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह बड़े जाजिब लहजों से बेहतरीन आवाज में बच्चों को मश्क करा रहे। हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह वहां ठहर गए। जब तिलावत खत्म हुई तो आप वहां से आगे बढ़ गए। बढ़ते बढ़ते जब इदारे की ज्यारत मुकम्मल हुई, दफ्तर में फिर तशरीफ ले गए, तो हजरत हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह से दरख्वास्त की कि हजरत बतलाइए, बहुत देर से आप इदारे की ज्यारत फरमा रहे हैं, आप थक गए होंगे, तो आपके नशात के लिए हम क्या इंतजाम फरमाएं। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, सुनने की जरूरत है। हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर मेरे नशात की कोई चीज है तो हमें फिर एक मौतवा हजरत कारी हिफ्जुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह से अल्लाह के कलाम की तिलावत सुनवा दीजिए। कहा बहुत आसान है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, इसको खुद सुने। कहा कि तो बहुत आसान है। हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे, कहा हम हजरत कारी साहब कारी हिफ्जुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह को दफ्तर में बुला लेते हैं। हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, प्यासे हम हैं, भूख हमें है,
तलब हमारी है, इसलिए जरूरत इसकी है कि अल्लाह के कलाम के खादिम के यहाँ पहुंचा जाए। चुनांचे हजरत कारी हफ्जुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह की दरस का फिर तशरीफ ले जाते हैं, देखा कि हजरत कारी साहब फिर मशकर आ गए तो दर्जे के बाहर खड़े हो गए। कौन बाहर खड़ा हो जाता है? मुल्क का एजुकेशन मिनिस्टर और इस दारुल देवबंद जैसी मरकजी और जो है वो और इसी जामियत के हामिल इदारे का मुहतमिम हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, वो दर्जे के बाहर खड़े हो जाते हैं। किरात मुकम्मल होती है तब जाके दर्जे में दाखिले की इजाजत चाहते हैं। हजरत कारी हफ्जुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने इजाजत मरहमत फरमाई तो दर्जे में दाखिल हुए, और फिर हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अंदर की जो मांग थी उनको उनके सामने पेश फरमाया, और हजरत कारी हफ्जुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने फिर कुरान करीम से एक रुकू की तिलावत फरमाई। कहा गया है कि जब आप तिलावत फरमा रहे थे अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह अपने आप को संभाल नहीं सके और उनकी आंखों से आंसू बहने लगा। मेरे भाइयों, ये वो आवाजें होती हैं, ये किरात होती है कि दिलों की दुनिया बदल जाती है, कैफ महसूस होता है, अल्लाह की याद में डूब जाने का शौक होता है। अल्लाह ताला हमें और आपको ऐसी राहें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिद अली के लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए महफिल की मुनासबत से मुबारकबादी इस हवाले से भी पेश करूंगा कि हमने देखा कि मजलिस की इब्तिदा में यहाँ मासूमों का भी एक तबका था माशाल्लाह। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, उम्मत को इन बातों को समझने की जरूरत है कि हमारे आबा ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनतों से हमारे कुलूब पर ईमान कंदा किया है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें ईमान पर कायम रहे, उनका ईमान सलामत रहे, उनका ईमान मजबूत रहे, तो जरूरत इस बात की है कि हम सिर्फ ऐसी मजालिस में शिरकत करके अपने आप को मुतमईन नहीं समझेंगे, बल्कि अपनी नस्लों को साथ लाने की कोशिश करें। आप देखिए, दुनिया के जिन ममालिक के नेक दिल लोगों ने अपनी इन नस्लों की बहुत अच्छी तरबियत की कोशिश की है और उनको कुरान की राह दी है, आप रोजाना यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पे देखिए कि कहीं किसी मुल्क का बावर्ची हो इतना शानदार तिलावत करता है कि हैरत होती है कि किसी मुल्क का बावर्ची हो और वो किरात का इतना आला मकाम रखता हो और उसकी किरात की ये रिफात हो, उसकी ये क्वालिटी हो। कहीं हम देखते हैं कि किसी मुल्क का 10 साल बच्चा है लेकिन उसके किरात की जाजिबियत, उसका हुस्न, उसके किरात का सोज, वो किसी दूसरे मुल्क का बड़ा से बड़ा कारी उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकता है। कौन? 10 साल बच्चा। हमने देखा, हम जब मिस्र गए तो हमने देखा कि मिस्र कुरान से इबारत हो गया है, खुश इल्हान कुर्रा मिस्र का सिंबल बन गया है। और हमने देखा कि ट्रक वाले जा रहे हैं तो बेहतरीन किरात वो सुनते सुनते जा रहे हैं। एक रक्षे वाला सुबह रिस्क की तलाश में निकलने वाला है, वो अपना रक्षा साफ करता है लेकिन रक्षे की सफाई के वक्त भी जाया नहीं करता है और बेहतरीन खुश इल्हान कारी की किरात को सुनता है। हमने देखा एक टांगे वाला, वो टांगा लेके जाने वाला है लेकिन वो टांगे की सफाई, ये हमारी आंखों ने, हमारी इन आंखों ने देखा। हम ये पहले हमें यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर सदियों से मिस्र, सदियों से किरात का मरकज बना हुआ है। दुनिया जानती है कि मरकजियत बदला करती है, कभी कोई मरकज होता है तो कभी कोई मरकज होता है, लेकिन क्या बात है, मिस्र ने सदियों से अपनी मरकजियत को संभाला है। उनके आबा को दाद देने की जरूरत है कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क को खुश इल्हानी से इबारत बना दिया कि वहां फजर की अजान से पहले, पौन घंटा पहले, मिस्र की एक एक मस्जिद के मनारे से बेहतरीन कुर्रा की किरातें नश्र होती है। चुनांचे मिस्र का बूढ़ा हो या जवान हो या बच्चा हो, जब उसकी आंख खुलती है तो सबसे पहले उसके कान में कोई आवाज पड़ती है तो कुरान करीम की आवाज पड़ती है। ये वो लोग होते हैं जो अपनी नस्लों को ऐसी नेक राहें दिखलाया करते हैं, इसलिए इस वक्त इसकी जरूरत है। बल्कि हम तो यहाँ अगर मकातिब के साथीदा इकराम हो और मकातिब के जिम्मेदार लोग हों तो उनको ये मशवरा देंगे कि माशाल्लाह हमारे इस मुल्क में नात खानी में
ऐसी नामवर शख्सियत मौजूद हैं, उनसे बेहतरीन छोटी छोटी नातें लिखवाएं और उनसे कहिए कि सहल तरन्नुम में, आसान तरन्नुम में आप इसको रिकॉर्ड करें और मकतब के बच्चों को सुबह सवेरे वो नातें सुनवाएं। हमारे बच्चों के कुलूब पर मासूमियत की उम्र में इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंदा हो रहा, इसकी जरूरत है कि हमदिया अशार हमारे बच्चों को याद हो, इसकी जरूरत है कि मनाकिब सहाबा की नज़में उनको याद हो, इसकी जरूरत हालात इस वक्त के हालात क्या चल रहे हैं। अगर हमने आपने अपने मासूमों के लिए ये राह अपनाई कि उनको मनाकिब की नज़में हों, अकाइद हों और उनको अखलाकियात के अशार हों, अच्छे तरन्नुम में सिखलाया जाएगा तो इंशाल्लाह मासूमियत की ये मेहनतें कभी रायगा नहीं होंगी, इंशाल्लाह वो फल लाएगी। अल्लाह ताला बहुत मुबारक फरमाए और हम सब की इस मिल बैठने को कबूल फरमाए। हम फिर एक मरतबा अपने इन भाइयों को और आप सभी बुजुर्गों को, हमारी खुशकिस्मती है कि आप बुजुर्गों की ज्यारत हुई, आप बुजुर्गों के साथ उठने बैठने का हमें मौका मिला और जिन कुर्रा ने और जिन नातखा हजरत ने अल्लाह की याद में डूब जाने के लिए दो चार साल के लिए जो सबब बने हैं उनके लिए भी हम दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह इसको कबूल फरमाए और हमारे इसको ज़खीरा आखिर सब्र साबित फरमाए। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा या रहमान या रहीम, या लतीफ़ या करीम, या अज़ीज़ या गफ़ार, या ذو الجلال والإكرام, या من يستحيي أن يرد يد السائل خالية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب كريم हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा। हम आपके बड़े ही पापी बंदे हैं, जिंदगी का बहुत सा वक्त ऐ रब तेरी नाफरमानियों में गुजर गया है, हम इसके लिए बड़े नादिम हैं। मौला हमने अपनी जिंदगी की साथ की कीमत नहीं समझी। अल्लाह अल्लाह हमें माफ फरमा दे, जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा तेरी नाफरमानियों में गुजर गया, हमसे कैसे तेरी नाफरमानी हो जाती है। अल्लाह हमें इस पर बड़ी नदामत है कि आपकी तरफ से मुसलसल इतने इनामात हैं, आपने अपने खजाने गैब से क्या क्या दे रखा है, अल्लाह उसके बावजूद हमसे आपकी नाफरमानी हो जाती है। अल्लाह हमें एहसान मंदी का जज्बा अता फरमा, अल्लाह तशक्कुर नसीब फरमा और मौला तेरी रजा की तौफीक अता फरमा, ऐसे आमाल की तौफीक अता फरमा जो तेरी रजा का सबब बनने वाले हैं। अल्लाह आप हमसे राजी हो जाइए, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे राजी फरमा लीजिए। अल्लाह हमारी मदद फरमा, नेक राह अपनाने की हमें तौफीक अदा फरमा और उसके लिए गैब से असबाब मुहैया फरमा और इसको हमारे लिए आसान फरमा। अल्लाह तेरी यादों से हमारे दिल को आबाद फरमा। अल्लाह तेरे जिक्र में हमारी जुबानों को जारी फरमा। अल्लाह तेरे जिक्र में हमारे जुबानों को जारी फरमा। अल्लाह जो कुछ जुबान का लुत्फ है मौला उसे कल्ब को भी मुतासिर फरमा। अल्लाह उसे कल्ब को भी मुतासिर फरमा। अल्लाह ये तेरा एहसान है कि जब दुनिया गफलतों में है और कैसे कैसे जराइम में है, आपने ऐसे वक्त में ऐसी पाकीज़ा मजलिस की शिरकत हमारे हक में मुकद्दर फरमाई, ये महज तेरा करम है। अल्लाह ये महज तेरा करम है। ऐ करीम आका, हम कदम कदम पर तेरी गैबी नुसरतों के मोहताज हैं, हमारी हिफाजत फरमा, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे ईमान की, हमारे आमाल की, हमारे किरदार की हिफाजत फरमा। अल्लाह हिफाजत फरमा, नेक राह अपनाने की तौफीक अता फरमा। गुनाह करते करते कुलूब कैसे सियाह हो गए हैं कि मौला नेकी की तौफीक हमसे सलब हो रही है। ऐ अल्लाह तेरा मुनादी नमाजों के लिए हमें आवाज देता है लेकिन जाने की तौफीक नहीं होती। अल्लाह हमें माफ फरमा दे, अल्लाह हमें माफ फरमा दे। नमाजों का अहतमाम नसीब फरमा, सुनन का अहतमाम नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तिलावतों से हमारी फिजाओं को गूंजता फरमा दे। अल्लाह
अल्लाह हमारी मदद फरमा। अल्लाह हम में से बहुत लोग हैं जो मुख्तलिफ जरूरतें लेकर मुख्तलिफ उम्मीदों के साथ इस बाबरकत मजलिस में शरीक हुए हैं। अल्लाह सब की जायज़ मुरादों को पूरा फरमा, अल्लाह सब की जायज़ मुरादों को पूरा फरमा, और जो जिस अंदाज की परेशानी में मुब्तला है सब की परेशानियों को ख़त्म फरमा। अल्लाह सब की परेशानियों को ख़त्म फरमा। ए दुखियों के सहारा, सब के दुख को तेरी बारगाह आली में पेश करते हैं। अल्लाह तेरी ज़ाते आली के सिवा कौन दुख सुनेगा, कौन उसको ख़त्म कर सकेगा, किसकी कुदरत है मौला। ए अल्लाह तेरी ज़ाते आली के सिवा हमारे पास कोई दर भी नहीं है जहाँ जाके हम अपना दुखरा सुना सकें। ए अल्लाह सब का दुख तेरी बारगाह आली में पेश करते हैं। सब की जरूरतों का गैब से तकफुल फरमा, सब की मुश्किलात को आसान फरमा, सब के मसाइब को ख़त्म फरमा। ए अल्लाह बहुत लोग हैं जो मुख्तलिफ परेशानियों के शिकार हैं। ए अल्लाह मुख्तलिफ परेशानियों के शिकार हैं। अल्लाह हमें अमान नसीब फरमा, चैन और सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमा। अल्लाह चैन और सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमा, और मौला गम से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हुमूम और गुमूम को सहने की अब हम में हिम्मत नहीं है। अल्लाह हुमूम और गुमूम को सहने का अब हम में सहार नहीं है। अल्लाह तुझसे हिफाजत चाहते हैं, हमारी मदद फरमा। मजलिस को कबूल फरमा, मजलिस के शुरका को कबूल फरमा, और मौला इसकी अव्वलीन कदरदानी की हमें नसीब तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا رب।